हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा पॉइंट को देख ले। तो आपको देखने को मिलेगा आज FIIs की कोई खास एक्टिविटी देखने को नहीं मिली कैश मार्केट के अंदर। लगभग 30 करोड़ के आसपास सेलिंग का फिगर है। वहीं DIIs ने भी लगभग 400 करोड़ के आसपास कैश मार्केट के अंदर बाइंग की है। बट अगर हम डेरिवेटिव का डेटा देखें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो क्लाइंट है उन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग की प्लस शॉर्ट कवरिंग भी की। DIIs की कोई खास एक्टिविटी नहीं है, FIIs की भी कोई खास एक्टिविटी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। बट प्रॉप डेस्क ने यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग भी की है लगभग 8,000 के आसपास और 6,000 के आसपास शॉर्ट कवरिंग भी की है। तो टोटल अगर हम देखें तो लगभग 23,500 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट क्लोज की गई फ्यूचर मार्केट के अंदर। तो ये एक लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है। और अगर हम ऑप्शन की बात करें तो बड़े प्लेयर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में माइट बी कल शायद मार्केट का सेंटीमेंट वीक रहे। तो ओवरऑल अगर हम डेटा पॉइंट का कंक्लूजन निकालें तो कैश का डेटा हमें एक न्यूट्रल सेंटीमेंट शो कर रहा है। फ्यूचर मार्केट के अंदर भी पोजीशन क्लोज की गई तो ये भी एक न्यूट्रल सेंटीमेंट शो कर रहा है। बट ऑप्शन का डेटा हमें एक वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। तो जो ऑप्शन के अंदर जो पोजीशन बनाई जाती है ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की पोजीशन होती है, तो माइट भी ऐसा हो कि उनका कल का व्यू है, हो सकता है मार्केट कल गैप डाउन खुल जाए या फिर हो सकता है खुलते के साथ हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, देन आफ्टर वापस से मार्केट रिकवर कर जाए। तो जो ये शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहे हैं ये नीचे आने के बाद शायद यहाँ पे आके क्लोज करे, देन आफ्टर वापस से मार्केट ऊपर को आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। इट मीन्स कि अगर हम डेटा पॉइंट का फाइनल कंक्लूजन निकाले तो ऐसा लग रहा है कि कल शायद हमें मार्केट में वीकनेस देखने को मिले। तो चलिए अब चार्ट पे चल के देखते हैं कि चार्ट हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। हमने कल क्या डिस्कस किया था, तो मैंने टेलीग्राम पे अर्ली मॉर्निंग में ही मुझे एक ट्रेड दिखा तो मैंने शॉर्ट का ट्रेड वहां पे दे दिया था। बट निफ्टी के अंदर प्राइस हमें कहीं पे भी बेंड होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप डेली कैंडल देखेंगे तो क्लियरली यहां दिख रहा है कि यहां पे एक हॉल्ट कैंडल बनाया है। तो माइट बी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर निफ्टी 21,500 के ऊपर निकलता है, मतलब ये जो स्विंग हाई है इसके ऊपर निकलता है, तो हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इट मींस कि अभी जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है ये लगभग 21,400 के आसपास की। तो अगर 100 पॉइंट ऊपर ये निकलता है, बड़ा गैप अप खुलता है कहीं भी 60-70 पॉइंट के आसपास गैप अप खुल के अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट डेटा पॉइंट हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक सेलिंग का नंबर देखने को मिल सकता है, सेलिंग का मार्केट। तो ये सेलिंग अगर होता है तो कहाँ तक आ सकता है? तो मान लीजिए अगर ये सेलिंग हुआ तो ये आपका 161% मतलब 21,078 तक भी ये सेलिंग ट्रिगर हो सकता है। तो देखते हैं कल मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो 15 मिनट पे भी अगर हम इंट्राडे में देखें तो हमें कोई खास यहाँ पे ट्रेड देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि प्राइस यहाँ पे कहीं पे भी बैंड नहीं हुआ। अगर मान लीजिए निफ्टी कल फ्लैट खुल के इसके नीचे ब्रीच करता है, यहाँ पे आपको एक डबल टॉप का फॉर्मेशन दिखेगा छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर इसके नीचे ब्रीच करता है मतलब कि 21,400 के नीचे अगर ब्रीच करता है तो हम इंट्राडे में पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पे 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और नीचे में 1:2 के लिए हम प्लान करेंगे, बहुत बड़ा टारगेट प्लान नहीं करेंगे। रीजन बिंग ऐसा हो सकता है कि देन आफ्टर सेकंड हाफ में हमें एक बाउंस देखने को मिल जाए और यहाँ पे ये सारे आपको सपोर्ट के एरिया दिखेंगे ये, तो यहाँ तक में हमें इजिली अपना टारगेट मिल जाएगा और देन आफ्टर हम यहाँ ट्रेड से एग्जिट हो सकते हैं इंट्राडे के अंदर। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में मैंने बिल्कुल 47,950 के आसपास में शॉर्ट दिया था टेलीग्राम पे। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे जो भी कोई ट्रेड दिखता है या कुछ अच्छा स्टॉक दिखता है तो मैं वहां पे जरूर मेंशन करता हूं। आज मैंने वहां पे दो स्टॉक भी शेयर किए, एक जाइडस वेलनेस और दूसरा मैंने शेयर किया था क्वेस्ट कॉर्प। तो दोनों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम इंट्राडे के अंदर देखने को मिला, बट मैं जाइडस वेलनेस मैं खुद पर्सनली पोजिशनली कैरी कर रहा हूं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अभी ज्वाइन करें क्योंकि जो कैश के स्टॉक में वहाँ पे शेयर करता है वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम करते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ आपको एक प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि बैंक निफ्टी मैंने यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लिया था, ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, कंटिन्यूसली यहाँ से सेलिंग देखने को मिल रहा था, तो मैंने बिल्कुल हायर लेवल पर शॉर्ट यहाँ पर दिया था। 100 पॉइंट प्रॉफिट हुआ, मैं बुक किया, फिर मैंने वहाँ पे भी अपडेट कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू कैरी एनी नेकेड पोजीशन। तो 100 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में मिला, मैं वो बुक करके ट्रेड से बाहर हो गया। बट कल अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे निकलता है तो आपको दिखेगा जो नेक्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी का है, यहाँ से बैंक निफ्टी में एक बाइंग हमें देखने को मिला था। इट मीन्स कि अगर इस स्विंग को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो एक बार हमें यहाँ पे लगभग 100 से 150 पॉइंट 200 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी को भी हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, 50 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे इंट्राडे के अंदर और 1:2 के लिए हम यहाँ पे टारगेट को प्लान करेंगे। बट जैसे हमें टारगेट मिल जाए हम इमीडिएट बाहर हो जाएंगे। पोजिशनली अभी कोई व्यू नहीं है क्योंकि ना 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें डबल टॉप का फॉर्मेशन दिख रहा है जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। अगर यहाँ हमें डबल टॉप का फॉर्मेशन दिखता है, ये ब्रेक करता है और इसके बाद यहाँ इसको रीटेस्ट करके देन ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, हम इस ब्रेकडाउन पे शॉर्ट नहीं करेंगे पोजिशनली, तो इंट्राडे में हम ट्रेड लेंगे। दूसरी बात, अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए कि इसके नीचे क्लोज करता है 47,518 के नीचे अगर क्लोजिंग आना स्टार्ट होता है तो इट मीन्स कि हमें बी का फॉर्मेशन का एक कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा, फिर यहाँ पर हमें बी का मूव देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अच्छा सपोर्ट का काम करेगा।
47,518, तो देखते हैं कल ये लेवल कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए अब स्टॉक्स की बात कर ले, तो पहला स्टॉक जो चार्ट पे अच्छा लग रहा है शंकरा बिल्डकॉन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेली चार्ट में तो आपको एक इनसाइड बार बनता हुआ दिखेगा, प्लस जो प्राइस है यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर था, तो यहाँ से शार्प सेलिंग आया, पुल बैक आया, और जो प्राइस है वो लो को ब्रेक नहीं कर रहा, वो धीरे धीरे ऊपर को मूव कर रहा है, और यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन भी दिखेगा। तो अगर कल ये स्विंग के ऊपर निकलता है तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। कैश का स्टॉक है, 7-8% 5% मोमेंटम करना कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस इनसाइड कैंडल है, तो जैसे इसका ब्रेकआउट होता है तो हम ये लो का स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर में 1:2 के लिए हम स्ट्रेट को प्लान कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर। मैं पोजिशनली कैरी कर रहा हूँ इसे, क्योंकि जो मैं टारगेट प्लान करके चल रहा हूँ तो मेरा थोड़ा बड़ा टारगेट है, मैं लाइक मिनिमम मैं 790 के आसपास का टारगेट प्लान करके चल रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के बिहाफ पे, बट इसका टारगेट और बड़ा आएगा, बट हम इंट्राडे में प्लान करेंगे, तो हम नीचे में ये स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस, ऊपर 1:2 के लिए ट्रेड को प्लान करेंगे। दूसरा जो ट्रेड है वो है आपका ISMT लिमिटेड। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस में एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिला, मोमेंटम के बाद आपको ये मार्केट साइडवेज जाता हुआ दिखेगा और पोल एंड फ्लैग का पैटर्न दिखेगा, तो इसका ये ब्रेकआउट हो रहा है। इट मीन्स कि अगर ये कल मोमेंटम करता फॉलो थ्रू तो ये जो हाइट है इस पोल का हम इसको ऊपर में प्रोजेक्ट कर लेंगे, ये हमारा टारगेट होगा, तो इसको हम 99 रुपीज़ के ऊपर बाई करेंगे। नीचे में 1 से 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस 1:2 के लिए इंट्राडे में प्लान करेंगे, और जो पोजिशनली बाई करना चाहते हैं 109 रुपीज़ के आसपास का इसका टारगेट निकल के आ रहा है एलियट वेव के हिसाब से, तो वहां तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अपोलो हॉस्पिटल में हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए ये 5490 के नीचे निकलता है, फ्लैट खुलता है 5490 के नीचे निकलता है, हम इमीडिएट शॉर्ट करेंगे, ऊपर में 10 से 15 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे फ्यूचर मार्केट के अंदर, और 1:2 के लिए इस ट्रेड को प्लान करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो आईशेयर मोटर बहुत कॉन्ट्रा ट्रेड है, तो जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है आप इससे दूर रहिएगा, बट जो बहुत ही अग्रेसिव ट्रेड करते हैं वो उनके लिए ये लाइक बहुत मज़ेदार ट्रेड होने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल प्लान है, हमें जब भी ये लो ब्रेक करे या फिर ये लो ब्रेक करे हम शॉर्ट करेंगे। अगर गैप डाउन खुल गया तो हम वेट करेंगे, मान लीजिए बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो हम वेट करेंगे, अगर ये इसको रीटेस्ट करता है और यहाँ से फिर ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट करेंगे, ये स्विंग का स्टॉप लॉस रख लेंगे, नीचे में 1:2 के लिए प्लान करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें फर्स्ट हाफ में ही ट्रेड मिल जाए, तो थोड़ा वेट करेंगे। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि ये गैप अप खुल जाए, गैप अप खुलने के बाद आपको यहाँ पे एक प्राइस एक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर इस टाइप का प्राइस एक्शन दिखता है तो हम इस स्विंग पे ही शॉर्ट कर देंगे, ये स्टॉप लॉस रखेंगे, नीचे में 1:2 के लिए प्लान करेंगे, और हम इसे फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट करेंगे, तो फ्यूचर का लॉट भी बड़ा होता है, तो रिस्क अपने हिसाब से हम मैनेज करके चलेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।